नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम आपके सामने सोयाबीन चाप बना के दिखाएंगे। बहुत ही लाजवाब, बहुत ही उम्दा, हर किसी को पसंद आने वाली। आइए हम आपको आज चाप बना के दिखाएंगे, सोयाबीन चाप। इसके लिए हमें 1 किलो हमने चाप ली है, उसको हमने स्लाइसेस में काटा है और 2 पीस हमने जो है इसको एज इट इज़ साबुत छोड़ दिया है आपको डिफरेंस दिखाने के लिए। इसको अच्छे से धो लेंगे काट के, इसको वॉश करके हमने अलग से रख दिया। ये चाप हमने साइड में रख दिया। उसके बाद हम जो है नेक्स्ट तेल चढ़ा लेंगे। हमें सोयाबीन जो हमने काट के रखी है उसको फ्राई करना है। तेल हमारा गरम हो चुका है, इसे पूरी तरह से हमें गरम नहीं करना है। करीब इतना गरम हो जाए कि आपका जो है सोयाबीन जले ना डालते के साथ। बहुत धीरे आराम से डालिएगा, धीरे तरीके से, जिससे आपके हाथों पे छींटे ना पड़े तेलों के। बहुत आपको किचन में काम करते टाइम पे बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है। गर्म पानी के साथ, तेलों के साथ काफ़ी हमें समय बिताना पड़ता है, तो बहुत केयरफुली अपने को काम करना होता है। देखिए हमारा फ्राई होते हुए हो गया है, काफ़ी टाइम 5 से 7 मिनट हो चुका है और इसके ऊपर लेयरिंग भी आनी शुरू हो चुकी है। देखिए आपका येलो कोटिंग आ चुकी है, इसकी येलो कलर चेंज हो चुका है, इसका रेड कलर में नहीं, वो जो वाइट वाला दिख रहा है आपका पोर्शन, उसके अंदर कह रहा हूँ मैं। वो तो चाप अपनी रेड कलर की ही है। आपका अभी स्किन इसकी टाइट नहीं हुई है। आपका चाप फ्राई होने का कैसे पता चलेगा कि फ्राई हो चुका है? चाप का सबसे बड़ी बात यह है, जब फ्राई हो जाता है पूरा परफेक्टली, तो ये ऊपर अपने आप फ्लोट करने लग जाता है, ऊपर अपने आप तैरने लग जाएगा, तेल के ऊपर आ जाता है। उस टाइम आपको पता चल जाता है कि आपका चाप हो चुका है। हाँ, बीच बीच में इसको काफ़ी हिलाते भी रहिए, इसको चेक करते रहिए कि कैसा है। अगर आप हिलाएंगे नहीं तो नीचे से आपका जो है कलर्स का डार्क हो जाएगा। देखिए आपका चाप हो चुका है, अब इसको निकाल लेंगे। छोटे छोटे पीसेस होते हैं, उसका डार्क कलर कभी कभी आ जाता है, उसको आप निकाल लीजिएगा बाद में, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे इसको हमने छन्नी में ढक दिया, एक्सेस ऑयल उसका निकल जाएगा। आइए हम इधर से इसका जो ग्रेवी है उसकी हम तैयारी कर लेते हैं। टमाटर हमने लिया है करीब 1 किलो, उसकी हमने जो है 1/4 उसको काट के हमने कढ़ाई में चढ़ा लिया है। 1/4 ही काटना है क्योंकि हमें इसको जो है पीसना पड़ेगा। हमने इसके अंदर तेल डाला है, तेल क्या करेगा, इसका जो है प्रोसेसिंग टाइम बढ़ाएगा, इसके अंदर जो है स्मूथनेस लेके आएगा हमारा ग्रेवी के अंदर। तेल हमने 1 बॉल डाला है, 1/2 चम्मच इसमें हमने नमक डाल दिया है। नमक आपको तो पता ही है, नमक क्या करेगा, प्रोसेस तेज कर देगा इसके पकाने का, बहुत जल्दी गलेगा हमारा टमाटर। इसके साथ हमने जो है कश्मीरी मिर्च डाल दिया है, कलर तो बहुत बढ़िया हो जाएगा इससे हमारा। इस टमाटर के साथ जो है हमने 2 प्याज भी डालनी है, प्याज भी साथ में ही डालेंगे हम। प्याज डालने के बाद जो है हमारा वो उसको हम ढक के रख देंगे प्रोसेस होने के लिए, गलने के लिए। जो है देखिए हमने 2 प्याज ही डाली है और इसको ज़्यादा बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है, आप मोटे मोटे स्लाइसेस भी डाल सकते हैं इसमें, क्योंकि हमें पीसना ही है एट लास्ट। देखिए हमें आपको कहा था कि 2 तरीके के हमने जो है फ्राई किए हुए हैं चाप, जो थिन स्लाइसेस हैं। देखिए वो कितने थिन कटे हुए हैं, उसमें क्या होता है जो ग्रेवी आप मसाले बनाओगे वो अंदर तक जाता है क्योंकि बीच से कटा हुआ है, और ये जो है पूरा होल है। आप इसके अंदर से आप देखेंगे, अभी बहुत गर्म है, हाँ ये अंदर तक इसमें जो है मसाले जाने में, क्योंकि ऊपर पूरी कोटिंग हो रखी है इसकी, अंदर मसाले पहुँचने में दिक्कत है, अंदर मसाले जाएंगे ही नहीं।
मैं इसको ना आपको एक काट के दिखाता हूँ, अंदर देखिए अंदर कैसा है, तो आपको समझ में आएगा कि हमें पतले स्लाइसेस करके क्यों बनाने हैं। आप देख सकते हैं अंदर से कितना सॉफ्ट है ये। अब जब इसका जो है देखिए बाहर वाले कितने टाइट हैं, छोटे छोटे पीसेस में कटे हुए, अंदर वाला कितना सॉफ्ट है। आपका जो है जूस अंदर जाएगा ही नहीं, आपका चाप टाइट हो जाएगा, जूसी नहीं रहेगा। देखिए वो जो छोटे छोटे पीसेस हैं इसमें बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो ऑलवेज मेरे हिसाब से मैं ये प्रेफर करूँगा कि आप पतले स्लाइसेस ही बनाइए इसका। आइए मैरिनेशन करने का टाइम आ चुका है, बहुत अच्छे से मैरिनेट करेंगे हम। इसमें हमने देसी घी डाल दिया है 1 कप। देसी घी के साथ जो हम डालेंगे देसी घी हमने डाल दिया है, उसके बाद जो हम डालेंगे इसमें थोड़ा गरम मसाला डालेंगे, जी 1 चम्मच डालना, ज़्यादा नहीं डालना। इसको टॉस करने के बाद इसको टॉस करेंगे अच्छे से, देखिए कितना बढ़िया, और इसकी इतनी अच्छी खुशबू आ रही है मैं आपको बता नहीं सकता। जब गरम गरम चाप, फ्राइड चाप के अंदर हमने जो देसी घी का मारा है और उस ऊपर गरम मसाले का जो तड़का है हमारा, इसमें जो है 1 कप हमने जो है दही डाल दिया है, और 1/2 कप और, थोड़ा सा कम लग रहा था मुझे तो थोड़ा 1/2 कप और मैंने ऐड कर दिया है इसमें। अभी अगर आपको देख लीजिएगा 2 कप लगे या फिर 1.5 कप लगे, जितने में हमारा ये जो चाप है पूरा कोट हो जाना चाहिए। बहुत अच्छे से मिलाइएगा, इसमें लम्ब्स नहीं रहने चाहिए क्योंकि आपके ग्रेवी में वो दाने दाने दिखेंगे, इसीलिए पूरा जो है अच्छे से मिलाने के बाद इसके लम्ब्स निकाल दीजिएगा, अपने आप टूट जाएंगे इसको जब मिलाएंगे तो। आप कितनी अच्छी कोटिंग हो गई है इधर हमारी जो है, ये ग्रेवी हमने जो पकने के लिए डाली हुई है वो भी ऑलमोस्ट हो चुका है, गल चुका है टमाटर अच्छे से, प्याज जो है ट्रांसलूसेंट हो चुका है। हमारी जो है ग्रेवी रेडी है, उसको हम अच्छे से पीस लेंगे फिर मिक्सी में। इधर हमने जो है कढ़ाई चढ़ा ली है, उसमें हमने तेल डाल के जो खड़े मसाले अपने डाल दिए, साथ में हमने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया है इसमें। अब देखिए बहुत बढ़िया गोल्डन कलर का आ चुका है। इधर जो है हम अपने मसाले साइड में तैयार कर लेते हैं। देखिए हल्दी है, कश्मीरी लाल मिर्च है, नमक है, धनिया है, और ये अपना गरम मसाला है। और इसका जो है आप मसाले डालें तो इस बात का ख्याल रखें कि आप अपना फ्लेम बंद कर दें, नहीं तो आपके मसाले ये जल सकते हैं उसको, क्योंकि तेल गर्म होता है और मसाले पाउडर में होता है तो ये बहुत जल्दी प्रोसेस होता है। अपना गैस बंद करने के बाद ही जो है मसाले डालें इसमें। देखिए भुन चुका है, और इसमें हमने जो ग्रेवी पीस के रखी है वो भी हमने डाल दी है। अच्छे से मिलाइएगा इसको, ये हमारा ग्रेवी ऐड करके हमने रख दिया है इसमें। अब इसको बहुत अच्छे से पकाएंगे, पकने में कम से कम इसको 10 से 15 मिनट लगेगा। इसको ढक के पकाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए हमें 10 से 15 मिनट हो चुका है, इसमें बबल्स आने शुरू हो चुके हैं, और प्लीज़ आप इस बबल से दूर रहें। करछी आप लंबे हैंडल वाली करछी यूज़ करें हमेशा, इसके बबल्स इसके छींटे बहुत ऊपर तक आते हैं। कसूरी मेथी हम इसमें ऐड करेंगे, हम जो है पत्तों वाला कसूरी मेथी ही यूज़ करें। आप उसको गर्म चीज़ पे रख के ये अच्छे से क्रश हो जाता है। इसमें हमने ब्राउन ओनियन भी हमने रखा हुआ है, वो भी ऐड कर सकते हैं, ये ऑप्शनल है, आप डालें चाहे ना डालें इसमें। देखिए हमारी ग्रेवी कितनी बढ़िया हो चुकी है,
ये हमारा जो चाप है मैरिनेट किया हुआ, हम इसमें ऐड कर देंगे। अब ये चिपक चुका है, स्टिक हो चुका है अपने एक दूसरे में। देखिए हमने जो मैरिनेट करके रखा है इसको, आप इसको करछी के मदद से निकाल के डाल सकते हैं इसमें। ये बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, मतलब देख के ही लाजवाब लग रहा है। अब ये जो एक्सेस पानी है इसके अंदर, वो जो है हमने फ्राई करके रखा है, वो सोख लेगा इसे। इसको ज़्यादा नहीं, हार्डली 5 से 7 मिनट इसको खुले में पकाना है, ढक के मत पकाइएगा, नहीं तो आपकी चाप जो है ओवर कुक हो जाएगी। बस हमारा 5 से 7 मिनट बाद पकने का रेडी हो चुका है हमारा, आपका चाप जो है आपके सामने रेडी है। इसको आप बहुत अच्छे से सर्व करें। इसको हम गार्निश करेंगे ब्राउन ओनियन के साथ। ब्राउन ओनियन डालेंगे साथ में, हम इसमें कोरिएंडर लीव्स चॉप करके डालेंगे, इससे इसका जो प्रेजेंटेशन है। कहते हैं खाने को सबसे पहले आँख से खाया जाता है, कहने का मतलब खाना जितना लाजवाब दिखेगा उतनी भूख ज़्यादा बढ़ जाएगी लोगों की। इसीलिए खाने का प्रेजेंटेशन बहुत ही लाजवाब होना चाहिए।